शुक्ला, आप सभी का एक बार अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो ये वीडियो सीरीज चल रहा है, आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस ए टू जेड मिलने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमपीएसआई, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों, हमारा इस वीडियो में लक्ष्य होगा कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है, तब भी आप कैसे छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है, सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तब भी हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी कि आप अपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे आते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक डिटरमिनर्स के ऊपर है। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से किसी भी एग्जाम में अगर आप देखें तो क्वेश्चन इसमें भर के आते हैं। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, जिस किसी में भी इंग्लिश आ रही होती है, उसमें से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। अभी आप देखेंगे मेरा पूरा वीडियो, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट कभी भी आपको भूलेगा नहीं और आपका कॉन्सेप्ट सदा के लिए क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिटरमिनर्स आखिरकार होते क्या हैं, हम सेंटेंस में यूज क्यों करते हैं। डिटरमिनर्स बेसिकली हमारे एडजेक्टिव का पार्ट होता है, जो किसी भी नाउन को, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, उन नाउन को ये हाईलाइट करता है। इससे क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के आते हैं। दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिटरमिनर्स वो होते हैं जिनके रूप में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, जिनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। स्वरूप में परिवर्तन ना करने के पीछे मतलब ये है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन लिखते हैं ब्राइट। सपोज करिए कि अपन लिखते हैं ब्राइट, ब्राइट के रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब अगर इसमें हम नेस शब्द ऐड कर दें, नेस शब्द ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा ब्राइटनेस हो जाएगा, मतलब इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, डिटरमिनर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मीन्स आप सफिक्स या प्रफिक्स ऐड करके इनके रूप में अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि हमें अपने एग्जाम के लिए कौन कौन से डिटरमिनर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए डिटरमिनर्स, वो होता है यूज ऑफ सम एनी। सबसे पहले अपने को देखना है सम और एनी का यूज, सम और एनी का यूज। इसके बाद अपने को देखना है मच एंड मैनी का यूज। इसके बाद अपने को देखना है अनादर, अनादर, देयर आफ्टर अदर, देयर आफ्टर एनी अदर। इसके बाद अपने को देखना है बिटवीन, बिटवीन। इसके बाद अपने को देखना है अमंग। दोस्तों, इन्हीं चारों डिटरमिनर्स को आज हम अपने पहले वीडियो पे कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपको पूरी सीरीज मिलेगी, 1 by 1 करके पूरी सीरीज मिलेगी। तो अपन देखते हैं सम और एनी का यूज अपन कैसे करते हैं। देखिए, सम और एनी की यूज करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गफलत में रहते हैं कि अपने को काउंटेबल देखना है कि अनकाउंटेबल देखना है, सिंगुलर देखना है, प्लूरल देखना है। तरह तरह के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में पाल के रखते हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मैं आपको बताता हूं कितनी आसानी से आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पास देखें, एस का मतलब होता है सम और एस का मतलब होता है सिंपल। इसका सीधा सा मतलब इतना होता है कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, वहां पास आपको सम का यूज करना है, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहां पास आइए, ये देखिए, पहला लेटर लिखा हुआ है यस, यस फॉर हो गया सम, और दूसरा लेटर हो गया यस फॉर सिंपल। मतलब अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, नॉट नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, आपको आंख बंद करके किसका यूज कर देना है, सम का यूज कर देना है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल के लिए हम देखें तो हमने यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है। सपोज करिए आई हैव डैश डैश प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यहां पास आप देख रहे हैं ना, तो आपको इस पूरे सेंटेंस में
कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा है और ना ही कहीं पास आपको नॉट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पास किसका यूज कर देना है, सम का यूज कर देना है। सपोज करिए कि ऐसा सेंटेंस आया है कि यहाँ क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है। डैश डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। बस आपको केवल ये देखना है कि इस सेंटेंस में क्या कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या कहीं नॉट लगा है। अगर नहीं लगा है तो अपने को किसका यूज कर देना है, सम का यूज कर देना है। इसके बाद आते हैं एनी में। जस्ट इसी का अपोजिट होता है एनी। इसका मतलब ये होता है कि अगर सेंटेंस में आपको नॉट दिख जाए अथवा क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आपको आंख बंद करके किसका यूज कर देना है, एनी का यूज कर देना है। जैसे इसी सेंटेंस में हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें ऐसा लिख दिया कि आई हैव नॉट कर दिया, फिर डैश डैश प्रॉब्लम कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको नॉट यहाँ पास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पास सिंपली किसका यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हैव आई डैश डैश प्रॉब्लम, यहाँ पास अपने को क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, एग्जाम में भी यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ये सेंटेंस का मतलब क्या है, आपके नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है। आप सिंपली इतना देख लीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मींस दैट कि आपको यहाँ पास किसका यूज कर देना है, एनी का यूज कर देना है। यही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक्स है दोस्तों, एज फॉर सम। और अगर सेंटेंस आपका सिंपल है, मतलब नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वहां पास अपने को सम यूज कर देना है। अगर है तो किसका यूज कर देना है, एनी का, नहीं है तो सम, है तो एनी। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें एक चीज और आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ हायर एग्जाम्स में जैसे MPSI और UPSI में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि अगर मान लीजिए सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस कुड से मिलके बना है अथवा कुड से मिलके बना है, केवल इतनी चीज आपको ध्यान रखना है, तब आपका भले सेंटेंस इंटरोगेटिव रहेगा, आपको यूज सम का ही करना पड़ेगा सारे इंटरोगेटिव के साथ एनी। लेकिन इतनी बात ध्यान रखना है कि अगर इंटरोगेटिव में कुड का यूज कर दिया गया है, वुड का यूज कर दिया गया है, तब आपको किसी भी कंडीशन में एनी का यूज नहीं करना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, कितना आसान है देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इज देयर डैश डैश प्रॉब्लम, इज देयर डैश डैश प्रॉब्लम। देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें अपने को एनी यूज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस इन दो में से किसी एक से बनता है, तब आपको एनी का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कुड यू डैश डैश बुक फॉर मी। यहां पास कोई भी वर्ब हो सकती है, या तो डोनेट हो सकती है, या तो परचेज हो सकती है, या तो बाई हो सकती है, यहां पास मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको लिखना जरूरी नहीं समझा। अब देखिए यहां पास ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन बना किससे है, कुड से बना हुआ है, तो केवल दो वर्ड आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस की शुरुआत कुड या वुड से हो रही है, तब आपको यहाँ पास किसका यूज करना है, सम का यूज करना है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है सम और एनी के यूज में। इसके बाद अपन शुरू करते हैं दोस्तों यूज ऑफ मच और मैनी का। देखो मच और मैनी का यूज कैसे करते हैं, मच और मैनी का यूज अपन कैसे करते हैं। सब कुछ आपको भूल के इतना ध्यान रखना है कि मच का यूज केवल और केवल अनकाउंटेबल के साथ होता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, ये आपको मैं समझा दूं। एक तो मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम नहीं गिन सकते, जैसे पानी को हम नहीं गिन सकते, जैसे ऑयल को हम नहीं गिन सकते, जैसे हम मिल्क को नहीं गिन सकते, जैसे हम प्रॉब्लम्स को नहीं गिन सकते, है ना। इनको अपन वेट करते हैं, तौलते हैं, तो जितनी चीजें वेट की जाती हैं, तौली जाती हैं, गिनी नहीं जाती हैं,
उन चीजों के साथ अपने को किसका यूज करना है, मच का। अगर आप जिस चीज को गिन लेते हो उसके साथ आपको यूज करना है मैनी का। एक और इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दूं, मच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होता है। ध्यान ये रखना है कि मच का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर के साथ करना है, जबकि मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ करना है। मैंने आपको दो ट्रिक्स बता दिया है, दो में से जो ट्रिक्स आपको अच्छी लगे उस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज तो ये देखिए कि अगर अनकाउंटेबल है तब आपको मच का यूज करना है, अगर मान लीजिए वो चीज काउंटेबल है तब आपको मैनी का यूज करना है। दूसरी चीज, अगर वस्तु सिंगुलर है मींस सिंगल है मींस एक है, वहां पास आपको किसका यूज करना है, मच का यूज करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का दोस्तों हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। इसके जस्ट अपोजिट होता है मैनी, मैनी का यूज कभी भी सिंगल के लिए नहीं होता, हमेशा प्लूरल के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है कि ये प्लूरल होगा। दोस्तों मैं एग्जांपल में आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि देयर इज डैश डैश वाटर। इसके आगे और भी कुछ सेंटेंस हो सकता है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। डिटरमिनर्स के लिए केवल आपको इतना देखना है, डैश डैश के बाद पहला जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके इधर क्या सेंटेंस लिखा है आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस डैश डैश के बाद यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस क्या लिखा है ये भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती। केवल डैश डैश के बाद जो पहला शब्द होता है वो सब कुछ बताता है। यहाँ पास आप देख रहे हो, वाटर को हम गिनते नहीं है, एक पानी, दो पानी, चार पानी, ऐसे हम कभी भी नहीं गिनते हैं, बल्कि हम पानी को मेजर करते हैं, वेट करते हैं, तौलते हैं। तो जिन चीजों को हम तौलते हैं उनके साथ अपने को किसका यूज करना होता है, मच का यूज करना होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं दोस्तों, मनी के साथ अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनी के साथ पैसा के साथ क्या लगेगा। तो आपको मैं बता दूं कि अनकाउंटेबल का एक मतलब ये भी होता है कि ऐसी नाउन जिनका हम सिंगुलर प्लूरल कन्वर्ट ना कर सकें, ऐसी नाउन्स को भी हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बोलते हैं सर मनी को तो हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो फिर यहाँ पास मैनी लगना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों मनी जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसका रीजन ये होता है कि इसको हम सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि आप 10 रुपए का सिंगुलर बना दो, तो आप बोलोगे सर 9.5 रुपए, आप बोलोगे सर 8 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे, 20 पैसे, कोई निश्चित नहीं है। इसी तरह से अगर आप इसका प्लूरल बना रहे हो तो 11 रुपए भी कह सकते हो, 50 रुपए भी कह सकते हो, 100 रुपए भी कह सकते हो, 500 रुपए भी कह सकते हो, क्लियर नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि मनी का हम सिंगुलर प्लूरल आसानी से नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ये नाउन भी कैसी नाउन कहलाती है, अनकाउंटेबल कहलाती है। और अनकाउंटेबल के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको मच का यूज करना है दोस्तों। तो मनी के साथ आपको मच का यूज करना है, क्यों करना है मैंने रीजन बता दिया। दूसरी चीज, अब मैनी का एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई हैव डैश डैश फ्रेंड्स या बॉय या स्टूडेंट, जो कुछ भी आपको कहना है। यहाँ पास देखिए, बॉय जो मैंने लिखा हुआ है, लड़कों को कभी हम तौलते नहीं है दोस्तों कि 1 क्विंटल लड़के हैं कि 2 क्विंटल हैं, बल्कि हम काउंट करते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 10,000 हो, हम काउंट करते हैं। तो गिनने वाली चीजों के साथ हम किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने कहा था कि आपको मैं एग्जाम्पल के दौरान एक और ट्रिक बताऊंगा, तो वो ट्रिक आप समझिए। यहाँ पास मैंने वाटर लिखा है, देखिए वाटर का मैंने वाटर्स नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि एज अ सिमिलर यूज हो रही है, इसलिए आप किसका यूज करोगे, मच का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पास देखिए मैंने वॉयज में वॉयज लगाया है, यस लगाया है, मतलब प्लूरल यूज किया है, इसलिए यहाँ पास किसका यूज होगा, मैनी का। आई होप दोस्तों कि आपका ये कॉन्सेप्ट मच और मैनी को लेकर के क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे डिटरमिनर्स की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा डिटरमिनर्स अपना जो है वो है यूज ऑफ अनदर, अदर, एनी अदर। देखते हैं अनदर जो होता है, अनदर, नेक्स्ट अदर, नेक्स्ट
एनी अदर। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आपको नो अदर भी देता है, ये ध्यान रखना है। ये चार ऑप्शन रहते हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत होता है हमेशा, ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, ये बेफालतू का ऑप्शन होता है। तो आप इसको यही पास हटा दो कि ये तो बेमतलब का ऑप्शन दिया रहता है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों का यूज कहां होता है। दोस्तों अनादर का यूज केवल और केवल सिंगुलर के साथ होता है, सिंगल के साथ होता है, एक के साथ होता है, बस इतना ध्यान रखना है। जबकि अदर का यूज प्लूरल के साथ होता है। अगर चीजें एक है, सिंगल है, तो वहां पास आपको अनादर का यूज करना है। चीजें बहुत सारी हैं, प्लूरल है, पॉली है, तो आपको अदर का यूज करना है। सेंटेंस अगर आपका निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तब आपको किसका यूज करना है, एनी अदर का। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के लिए। जैसे देखिए, मैंने कहा डू यू हैव डैश डैश बुक। अब यहां पास देखिए, ये सेंटेंस आपके लिए जरूरी नहीं है, यहां से लेके यहां तक जितना भी लिखा, कितना बड़ा लिखा हो, या कि यहां से लेके यहां तक कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखा हो, आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस यहां पास फोकस करिए, डैश डैश और बुक के ऊपर फोकस करिए। देख रहे हैं कि बुक एक यूज की गई है, सिंगल यूज की गई है, सिंगुलर यूज की गई है, इसके लिए हम किसका यूज कर देंगे, अनादर का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास अनादर का। अब इसी एग्जांपल में देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने ऐसा कर दिया कि यहां पास बुक्स कर दिया, तो सेम कंडीशन में दोस्तों आपको यहां पास यूज करना होगा अदर का। इतना ध्यान रखना है, सिंगल है तो आपको अनादर का यूज, अगर प्लूरल में ने कर दिया तो आपको किसका यूज करना है, अदर का। अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो फिर किसका यूज होगा, एनी अदर का होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा डू यू नॉट हैव डैश डैश बुक, इस कंडीशन में आपको यहां पास किसका यूज करना है, सॉरी एनी अदर का यूज करना है। किसका यूज करना है, एनी अदर का यूज करना है। क्यों, क्योंकि देखिए एनी का यूज कहां करते हैं आप, नॉट के साथ अथवा क्वेश्चन मार्क के साथ करते हैं। तो देखिए यहां पास आपको नॉट मिल गया, इसलिए आप किसका यूज करेंगे, एनी अदर का यूज करेंगे। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप अगर बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपीएसआई वगैरह, जैसे एसएससी में पास करो, से देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अनदर मतलब सिंगल मतलब सिंगुलर, अदर मतलब बहुत सारी चीजें, और एनी अदर का मतलब वही चीजें अगर निगेटिव में है, उस कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, एनी अदर का यूज करते हैं। आई होप दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिटरमिनर्स की तरफ, और अपना नेक्स्ट डिटरमिनर्स जो है वो है अपना बिटवीन और अमंग। देखो जो बिटवीन होता है, बिटवीन जो होता है दोस्तों, वो केवल और केवल दो के लिए किया जाता है। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो कंट्रीज के बीच में कोई मैटर हो रहा है, तो वहां पास हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। और अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है, मोर देन टू है, दो से ज्यादा है, उस कंडीशन में अपने को किसका यूज करना है, अमंग का यूज करना है। दो से ज्यादा अगर हो गया, वहां पास हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फाइनल मैच विल बी प्लेड डैश डैश इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों यहां पास देखिए दो हैं, पाकिस्तान है और इंडिया है। मैंने कहा जहां दो की बात हो वहां पास आपको किसका यूज कर देना है, बिटवीन का। यहां से लेके यहां तक क्या लिखा है आपके नहीं समझ में आ रहा है, कहने दीजिए, छोड़ दीजिए, बस इतना देखिए कि ये एक हो गई या दो हो गई। दो हो गए, इट मीन्स दैट कि आपको यहां पास किसका यूज करना है, बिटवीन का यूज करना है। अब मान लीजिए दूसरी बात मैंने कहा, मैंने कहा कि आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश डैश माई फ्रेंड्स की जगह और कुछ भी हो सकता है,
माई फ्रेंड्स में आप पास देख रहे हैं दोस्तों कि फ्रेंड्स मैंने बोला है, फ्रेंड्स मैंने लिखा है, दोस्तों के साथ यूज किया है, दोस्तों की संख्या निश्चित नहीं है, इट मीन्स दैट कि वो दो से ज्यादा हैं, इसलिए आपको यहाँ पास किसका यूज करना होगा, अमंग का यूज करना होगा। दोस्तों हमारा वीडियो पूरा देखें, एक से दो बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। इसके आगे के डिटरमिनर्स अपन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।